ऐसी कार आपने शायद ही देखी होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुंदर गुर्जर नाम के इस शख्स ने लगभग 1000 किलोग्राम स्क्रैप से एक शानदार एम्बेसडर कार तैयार की है। यही वजह है कि लोग इस कार को दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। इस कार को बनाने में 3 महीने का समय लगा और 3 लाख रुपए का खर्चा भी आया है। गाड़ी की ओरिजिनल बॉडी को कटर से काट कर नट फिट किए गए हैं। इस कार को ये रूप देने वाले सुंदर बताते हैं कि एम्बेसडर कारों को कभी भारत का गौरव माना जाता था। इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, यही वजह है कि सुंदर ने इसे संरक्षित करने के लिए ये रूप दिया है। आइए सुंदर से ही जानते हैं कि इस गाड़ी को ये रूप देने का उनका क्या कारण है। एम्बेसडर है, जैसे कि अपन जानते हैं इंडिया का प्राउड की तरह से लिया जाता था। कार बंद होने के बाद मुझे पर्सनली ये कार का बॉडी बहुत पसंद था, एक तो जी। और दूसरा कि कार बंद हो रही थी और जाना पहचाना नाम था, इंडिया की पहली कार बोला जाता था, और उसी वजह से मैंने सोचा कि यार बंद हो रही थी, इसे हम सहेजें कुछ अपने माध्यम से और इसको लंबे समय तक रख पाए। इस तरह का मटेरियल मैंने इसमें इस्तेमाल किया, तो आप देख रहे हैं कि मैं इसमें नट और ये जो जिनकी लाइफ मेटल है तो इसकी लाइफ एक लंबी हो जाती है। 700 किलो के आसपास मैंने नट का इस्तेमाल किया है और तकरीबन 400 किलो बाकी का जो स्क्रैप मेटल है, जो गाड़ी घोड़ों के पार्ट्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए हैं। और उसमें नई बात जो है कि अभी तक इस तरह के काम जो है वेल्डिंग या उस मार्फत होते थे, पहली बार मैंने उसको एडेसिव यूज करा है पूरी गाड़ी में, क्योंकि नट का साइज बड़ा छोटा होता है, उसे वेल्डिंग करना बड़ा मुश्किल है, मतलब उसमें वेल्ड नट खत्म हो सकता है। तो अपन ने इसमें तरह तरह के एडेसिव इस्तेमाल, स्क्रैप मटेरियल है। हाँ, ये तकरीबन स्क्रैप मटेरियल में मैंने लिया है इसको। पूरा उद्देश्य मेरा सहेजना है, मेरी खुद की इच्छा थी कि एक कुछ नया बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। दूसरा, 1 महीना तो मैंने इसको गाड़ी को लेने के बाद विचार किया कि मैं क्या करूं, उसके बाद करीब मेरे को 3 महीना इसको पूरा तरह से कंप्लीट करने में लगा। ये खर्च तकरीबन 3 लाख के आसपास का, क्योंकि मैंने इसमें कोई लेबर या कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिस तरह का आर्ट फॉर्म था तो वो मुझे ही करना था।